कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land, और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। पुराना बॉम्बे देख रही हूँ, पहले बॉम्बे ही कहते थे। कितना खाली खाली है, कितना सुंदर। अब तो ये खाली जगह यहाँ देखने को ही नहीं मिलती है। वैसे कोई भी शहर अपने लोगों को कितना कुछ देता है ना। पहले तो जब मैं यहाँ आई थी ना तो इतना बिजी थी कि मुझे कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला। फिर जब 8 साल बाद मुझे ब्रेक मिला तो पहली फुर्सत में मैं मुंबई भ्रमण पे निकल गई अपने ड्राइवर चंदू अंकल के साथ। और तब मैंने पहली बार देखा बाबुलनाथ मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, मुम्मा देवी का मंदिर, हाजी अली की दरगाह, कितना कुछ था देखने के लिए। और ऐसे घूमते घूमते ना एक दिन मैं जब माहिम से गुजर रही थी, माहिम जो है वो मुंबई जिन 7 मेन आइलैंड से बना हुआ है ना उनमें से एक आइलैंड है, तो माहिम में है मखदूम शाह की दरगाह जो एक बहुत ही फेमस सेंट है। और उतना ही फेमस है माहिम का सेंट माइकल्स चर्च जो मुंबई के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। ऐसे घूमते घूमते ना एक दिन मैंने एक प्राचीन मंदिर भी देखा माहिम में ही जो ब्लैक स्टोन्स का बना हुआ था। मैं जब अंदर गई ना तो एक तरफ पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो मैंने जाके देखा कि क्या है यहाँ। और पता है मुझे क्या पता चला? शीतला देवी का मंदिर था वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुंबई में शीतला देवी की इस तरह से पूजा होती होगी। राजस्थान में तो शीतला देवी के मंदिर कई जगह पे मिलते हैं, लेकिन मुंबई में भी मैंने शीतला देवी को ढूंढ ही लिया। और आज मैंने सोचा है कि शीतला देवी से ही जुड़ा हुआ मैं त्योहार मनाऊंगी, और उस त्योहार का नाम है बासोड़ा। राजस्थान में तो मैंने कई बार मनाया है, लेकिन मुंबई में आज पहली बार मना रही हूँ। राजस्थानी में बासोड़ा का मतलब होता है बासी खाने का दिन। वैसे तो इस त्योहार के लिए तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन एक चीज जो मेरी पसंदीदा है वो है बाजरे की राब या राबड़ी। लेकिन ये वो मीठी रबड़ी की तरह नहीं होती, ये तो बाजरे और छाछ की नमकीन राबड़ी होती है। और इसके लिए जो चीज हमें चाहिए क्या है? बाजरा। तो इसे बनाने की तैयारी मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ। मैंने ना थोड़ा सा पानी छिड़क कर बाजरे को भिगो दिया था। कम से कम 2-3 घंटे तो भिगोना चाहिए, और जब ये अच्छे से भीग जाए तो इसे कूटना पड़ता है। यस, क्या है ना कि इस तरह से भिगो के कूटने से जब हम इसको सुखाते हैं तो बाजरे का छिलका आसानी से निकल जाता है, जो कि वैसे खाने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको थोड़ी देर ना सूखने के लिए रख देती हूँ, अच्छी धूप भी आ रही है। और तब तक हम राब की तैयारी करते हैं, और उसके लिए चाहिए हमें दही। इसमें दही डालना है, बेसिकली छाछ बनानी है। तो
पानी डाल देते हैं अच्छा खासा और इसे मथ लेते हैं। वैसे बासी खाना ऐसे सुनने में कितना अटपटा लगता है ना, लेकिन खाने में बिल्कुल अटपटा नहीं होता, बहुत टेस्टी होता है। ये एक अलग ही त्योहार है, हर त्योहार पे तो एकदम फ्रेश फ्रेश पकवान बनते हैं उसी दिन खाने के लिए, लेकिन बासोड़ा में जो पकवान बनते हैं ना वो एक दिन पहले बनाए जाते हैं, क्योंकि शीतला माता जो है उन्हें शीतल यानी कि ठंडा खाना पसंद है, तो यही इस त्योहार की स्पेशलिटी है। हाँ ये देखो इसका छिलका कितने अच्छे से अब उतरने लगा है, एकदम नामुमकिन लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि बाजरा रह जाए और खाली छिलका उतर जाए, लेकिन अब कर पाती। अब ये बाजरा जो है इसको छाछ में डाल देते हैं और अब हम गैस ऑन कर सकते हैं, लेकिन हल्की आंच, और वो इसलिए क्योंकि छाछ में पका रहे हैं ना तो तेज आंच में फटने का डर रहता है, इसलिए हल्की आंच पे बिल्कुल इसे धीरे धीरे घुमाते रहना है। और नमक भी तो डालना है, सो अभी तो इतना ही डाल देते हैं क्योंकि ये पक के जो है गाढ़ा हो जाएगा, तो कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए। तो बासोड़ा जो है ना वो होली के 8वें दिन मनाया जाता है, यानी कि चैत्र मास की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मैंने एक बार माँ से पूछा था कि मम्मा ये बासी खाना जब खाना है तो इतना पक्का खाना क्यों बनाते हो, कुछ हल्का बना लो। तब माँ ने मुझे समझाया कि क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और पहले ज़माने में इस तरह से फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो ऐसा खाना बनाया जाता था जो देर तक मतलब कम से कम एक और दिन तक खराब ना हो, इसलिए दही का इस्तेमाल होता था और तला हुआ पक्का खाना बनाया जाता था। मुझे समझ में आया कि लोग काफी समझदार थे तब भी। बासोड़ा का एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उस दिन आप गैस चूल्हा या कोई भी आंच वाला काम कर ही नहीं सकते। वाह मम्मा आई विश आप यहाँ होते, बहुत ही टेस्टी बना। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।